पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट लिए थे, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल्स लिए, अब सिलिंड्रिकल कंडक्टर में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या करेंगे, दो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल शेल लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह का। एक ये हो गया अंदर वाला और एक ले लेंगे बाहर से ऐसे, है ना। इसमें लेते हैं टू कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग शेल्स, शेल्स का मतलब थिकनेस जो है बहुत ही स्मॉल होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अंदर वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस है R1 और जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका रेडियस है R2, इनका लेंथ मान लेते हैं L। अंदर वाले पर मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर वाले पर निगेटिव चार्ज आ गया। बाहर वाले को ऐसे ही अर्थिंग करेंगे जैसे इसमें बाहर वाले को अर्थिंग किया था, है ना, सेम रीजन से, क्योंकि ये बाहर एक कैपेसिटर ना बना ले इसलिए। तो अब यहां पर भी अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग कहते थे कि एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2k लैम्डा बाई आर एक लाइन चार्ज के कारण से। तो ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको एक लाइन चार्ज मान सकते हैं, है ना। तो इसके कारण से इसके एक्सिस से मैं यहां पर दिखा देता हूं, जैसे ये अंदर वाला है इसका रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस R2 है, यहां से R डिस्टेंस पर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा। लैम्डा का मतलब हो गया ये जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q बाई l कर देंगे लैम्डा के जगह पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ बाई r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन दोनों सिलिंड्रिकल शेल के बीच में, और बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बीच में एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है ना, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। मैं यहां से माइनस हटा देता हूं, जस्ट इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, और E का जो वैल्यू है वो ये है 2k q by l into r, ये आया है into dr। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन कहां से करना है, R1 से R2। तो dr by r का इंटीग्रेशन होता है log r ना? तो लिमिट रखने के बाद 2k क्यू बाई एल, ये तो कांस्टेंट है, dr बाई r का इंटीग्रेशन आएगा log r, है ना, log r, फिर लिमिट रखेंगे r1 से r2। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया 2k क्यू बाई एल लॉग, लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगा R2 टू बाई आर, है ना। तो यहां से Q का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, Q की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं यहां से V इंटू एल डिवाइडेड बाई 2K Q लॉग R2 टू बाई आर, है ना, ये हो गया इंटू वी, इधर कर देता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली में ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, है ना, ये हो जाएगा सी। तो कैपेसिटेंस सी का वैल्यू, के का वैल्यू अगर रख दूं 1/4πε0, तो 4 और 2 में से कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 2πε0, है ना, एक एल भी था यहां पर, ठीक है, ये जो एल है वो ऊपर चले गया है, तो 2πε0 एल डिवाइडेड बाई यहां पर आ गया लॉग R2 बाई R1, है ना।
ये आ गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस।